हेलो नमस्ते दोस्तों, आज वेल किचन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी घर पे बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही कम सामान में बटर कैसे बना सकते हैं उसकी विधि बताऊंगी। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो आप देख सकते हैं बटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने देसी घी लिया है, ये आप देख सकते हैं मैंने आधी कटोरी लिया इस टाइम, और एक घर का ही बिल्कुल प्योर और शुद्ध देसी घी है ये। तब आप देख सकते हैं मैंने इस टाइप की बड़ी भगुनी ली है, तो इसको घी को डाल देंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं ये मैंने चुटकी भर नमक लिया, तो नमक डालेंगे। तो ये मैंने बर्फ़ की सिल्लियाँ ली हैं, आइस क्यूब लिया, इसको डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं घी जमना स्टार्ट हो चुका है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं बटर बन के अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है और बिल्कुल आइस भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं पिघल चुकी है। तो अब बटर को बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने एल्यूमिनियम फॉइल पे बाहर निकाल लिया है, तो अब इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट करेंगे इस तरीके से। तो देख सकते हैं बटर बन के तैयार हो चुका है और इसको इस तरीके से मैंने सेट कर दिया है। तो एल्यूमिनियम फॉइल को इस तरीके से पैक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने इस तरीके से इसमें पैक कर लिया है। तो इसको आप 20 से 25 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखेंगे। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, तो बटर अच्छे से तरीके से तैयार हो चुकी है। तो अब इसको इस तरीके से खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से बटर तैयार हुई है और आराम से निकल भी रही है इस तरीके से। तो वाइट बटर अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। आपके पास कोई भी येलो वाला घी हो तो आपकी येलो जो होती है बटर वो भी बनके तैयार हो जाएगी, बट इस टाइम मैंने वाइट घी का यूज़ किया था घर का, तो इसीलिए आप देख सकते हैं वाइट बटर तैयार हुई है। तो आप इसको कोई भी शेप में बना सकते हैं। तो इस टाइम मैंने इस तरीके का शेप में बनाया, तो मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से तैयार हुई है बटर, और बिल्कुल जो बाजार में बनती है उस तरीके की बटर बनी है। तो आप इस तरीके से तैयार करेंगे तो बिल्कुल बटर जैसा टेस्ट आएगा, और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो आप घर पे इस तरीके से बटर बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने और भी बटर काट लिया, आप देख सकते हैं। तो हमारी सिंपल तरीके से बटर बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। और अगर आप इस तरीके से घर में बटर बनाएंगे तो जो भी चीज़ में अगर आपको यूज़ होगा, केक में डालने के लिए बहुत सारी चीज़ों में बटर यूज़ हो जाती है, तो आप घर में ही बनाकर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है बटर खरीदने के लिए। तो हमारी सिंपल तरीके से बटर बनाने की रेसिपी कैसी लगी लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। और मेरे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।